हमारे चैनल आरपी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बगल में दिख रही बेल आइकन को जरूर दबाएं और हर खबर की जानकारी सबसे पहले पाएं। प्यारे बच्चों का इस प्रांगण में पहुंचने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। माताओं बहनों, किसान की बेटी हूं, गरीब की बेटी हूं, मेरे पास आपके सहयोग के सिवाय, आपके साथ के सिवाय कुछ नहीं है। मेरे सामने आज अरबपति हैं, करोड़पति हैं, लेकिन मुझे विश्वास है क्योंकि इसकी जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। आपने चुनाव लड़ना है, आपकी ये जीत है, आपकी ये हिम्मत है। मुझे विश्वास है, मुझे आपकी ईमानदारी पर विश्वास है, मुझे आपके सहयोग पर विश्वास है कि हम जीत जरूर हासिल करेंगे। लोहारू हल्के की टिकट है, ये आपकी टिकट है, ये किसी एक अल्पकार्य को नहीं मिली है, बल्कि हर एक मतदाता को, हर एक कार्यकर्ता को, हर एक जनधर को ये टिकट मिली है। माताएं बहनों, मुझे आपके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि आप तो माता लक्ष्मी बाई का स्वरूप है। मुझे पिता तुल्य बुजुर्गों के सहयोग की जरूरत है, जिनका आशीर्वाद भगवान से भी बड़ा है। मुझे इन नौजवानों के साथ की जरूरत है, जो इतिहास नहीं पढ़ते बल्कि इतिहास बदल डालते हैं। नौजवानों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये बहन, इस किसान की बेटी आपसे आज टोली मांग कर आपकी उम्मीद के सहारे इस मैदान में उतरी हूँ। आपने उतारने का काम आपने किया था, कार उतारने का काम भी आप ही करेंगे। मेरे पास ना पैसा है ना शोहरत है, लेकिन मेरे पास एक चीज है, आपका अदम्य साहस है, आपका समर्थन है, आपका जज्बा है, जिसको मैं भी आज सलाम करती हूँ। माताएं बहनों, फूलों को छोड़कर आप हर एक माता बहन को आज एक अल्पकार्य नहीं, सौ सौ अल्पकार्य बनना है। अल्पकार्य की क्या औकात थी, आप है अल्पकार्य, तो आपने राजेश आर्य बनकर चुनाव को लड़ना है और एक इतिहास रचना है कि ना तो पैसे वालों की जीत हुई, ना ही संतागिरी की जीत हुई, जीत हुई आपके इंसाफ की, आपके अदम्य साहस की, आपके समर्थन की। उसी के लिए मैं आपके बीच में आई हूँ। माताएं बहनों, नौजवानों, साथियों, जनता एक जनता पार्टी ने आपके सहयोग को देखते हुए हमें एक जिम्मेदारी सौंपी है और उस जिम्मेदारी पर हमें खरा उतरना है। हमारा एक और शुभ कार्य हुआ है, क्योंकि इस शुभ मुहूर्त में हमारे साथ हमारी मातृशक्ति, हमारे अदम्य साहस की मूर्त श्रीमती नैना जी चौटाला जी हमारे बीच में आएंगी। हम अजय सिंह चौटाला जी का, भाई भूषण चौटाला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपके आम समाज की, सहयोग की, साधारण व्यक्ति की आवाज सुनी है। इसलिए आप सबको, मुझे नहीं, एक साधारण व्यक्ति को ये टिकट अर्पित की है। ये किसी एक की नहीं, बल्कि आपके अपने घर की, आपके अपने लोहारू हल्के की टिकट है। और आज मैं ये जिम्मेदारी आप सबको सौंप कर जा रही हूँ। मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका चुनाव है, आपकी जीत है, आपका साहस है, आपका सहयोग है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद है, मेरी नौजवान मैनों माताओं का आशीर्वाद है, साथ है, और इन नौजवानों का साथ है। माताओं बहनों, एकजुट हो जाओ, एक के साथ सौ सौ बनकर। हमें, हमारे पास बहुत कम समय है, लेकिन दिन रात हमें एक करते हुए आगे से आगे बढ़ना है। जल्दी से जल्दी रोजाना एक एक जितनी भी गलती हमसे हुई है, जितने भी गिले सफे हमसे मिटाकर हमें आगे बढ़ते हुए अपनी पार्टी के हाथ मजबूत करने हैं, क्योंकि लोहारू तो गढ़ है, इतिहास बदलने का, तकदीर और तस्वीर बदलने का समय आ गया है। और ये तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं तो सिर्फ लोहारू वासी ही बदल सकते हैं। अपनी बदलेंगे, को हम करेंगे, एक नया मुख्यमंत्री बनाएंगे, और ये आगाज होगा मेरे लोहारू गढ़ से होगा, क्योंकि उनके पास जन सहयोग है। हमारे मुख्यमंत्री जिसम चौटाला जी बनेंगे, क्योंकि हमारे पास आम आदमी का सहयोग है, सच्चे सेवकों का सहयोग है, ईमानदारी का सहयोग है, आपके अदम्य साहस का सहयोग है। आप ही सब कुछ है। आज मैं आप सभी को ये जिम्मेदारी देकर चलती हूँ कि ये सब आपका चुनाव है, ये टिकट आपको मिली है, ये रण क्षेत्र आपने लड़ना है, ये जीत आपकी है। हम तो आपके पीछे है, आप हमारे
आगे हैं। जय जवान, जय किसान, जय भारतीय जनता पार्टी। चौधरी देवी लाल अमर रहे। सुदन चौटाला जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। मेरी मातृशक्ति जिंदाबाद। नौजवान जिंदाबाद। देव तुले मेरी मातृशक्ति, पिता तुले गुजर को जिंदाबाद। आप हो तो मैं हूँ, आपकी जीत ही मेरी जीत है। इतिहास पलटने की बारी आ गई है, इतिहास पलट दो। ये बेटी आपकी अपनी लाडली, आपके गरीब परिवार की ये बेटी एक बार फिर आपसे अनुरोध करती है कि ये जीत आपकी जीत है। मेरे पास आपके सहयोग, आपके साथ, आपके अदम्य साहस के सिवाय कोई चीज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। इसलिए आने वाले 21 तारीख को हर एक ताले की चाबी खोलनी है, दो चाबी बंद करनी है, क्योंकि हमारा चुनाव निशानी चाबी है। इसलिए जितनी बेईमानी की तिजोरियां बंद है, उसको हमें इसी चाबी से खोलना है। माताओं बहनों, आप तो परफेक्ट ताले खोलने में, हमने तो बड़े बड़े की तस्तियाँ उड़ा दी, तो अब तो ताली हमारे पास है, तो अब तो हमें खास खड़ी करनी है। माताओं बहनों, प्रत्येक नौजवान को, प्रत्येक मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग को आगे बढ़ना है, साथ आना है। सभी हम पूरी साफ छवि से, ईमानदारी से इस रण क्षेत्र को पार कर पाएंगे। आपके सहारे की मुझे जरूरत है। एक कदम भी आपने उठाया था, दूसरा कदम भी आप ही उठाएंगे। नैया पार होगी तो आपके सहारे से होगी, आपके साथ से होगी। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जनता एक जनता पार्टी जिंदाबाद। चौधरी देवीलाल अमर रहे, अमर रहे। पिता तुल्य बुजुर्गों, एक नींव रखी थी चौधरी देवीलाल ने आपकी पेंशन की शुरुआत से। हालात देखो आज, वो पेंशन कितनी मुश्किल हो गई है। जब हमारे मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बनेंगे तो प्रत्येक मेरे बुजुर्ग की पेंशन 5100 रुपए की जाएगी। मेरी माताओं बहनों को एक समस्त जिंदगी दी जाएगी। इसके लिए, इतिहास पलटने के लिए, तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। आपके अपने घर में, आपके अपने हलके में ये जो टिकट आई है उसको जाने मत देना। पिछला सारा गिला शिकवा दूर करके हम सब मिलकर 30 साल से निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। आज हमें अवसर मिला है तो हम प्रत्येक के सहयोग की जरूरत है। एक बार फिर माताओं बहनों से, पिता तुल्य बुजुर्गों से, नौजवानों से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आने वाली 21 तारीख को चाबी के सामने वाला बटन दबाकर प्रत्येक बेईमान ताले को खोलने का काम करें। जय जवान, जय किसान, जय सांग। हमारे चैनल आरपी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बगल में दिख रही बेल आइकन को जरूर दबाएं और हर खबर की जानकारी सबसे पहले पाएं।